نحمد و على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وأهل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ربنا فقنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا واملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سوف الحمد لله شروطه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

और आगाज अल्लाह की वाहतानियत की दलील के साथ हो रहा है कि अरब के मशरकन ही नहीं दुनिया भर के मशरक ये मानते थे कि इनके शरीकों ने कुछ भी पैदा नहीं किया और ये सब कुछ अल्लाह ने पैदा किया है और इससे इनका अकीदा खुद ब खुद बातल हो जाता है कि इनके शरीकों ने इनको पैदा नहीं किया ना कायनात की कोई चीज़ को इन्होंने पैदा की तो फिर अल्लाह तला कह रहे ये फिर क्यों पूज रहे हैं क्यों और अल्लाह ते अपनी कुदरत कामला पे गौरव फिक्र यहाँ पे दावत दे रहे हैं कि वो ही अल्लाह है जिसने पैदा किया रिस्क दिया और फिर आसमानों को इतनी बुलंदी और खूबसूरती से बनाया इसमें सितारे और गर्दिश करने वाले फ्लाग बनाए इसी तरह जमीन बनाई इसमें पहाड़ नश नहरे चश्मे समुन्दर खेतिया और पता नहीं किस किस किस्म के परिंदे और जानवर पैदा कर दिए फिर आसमान से बारिश बना के इनके लिए बार रौनक बनाया इनकी रोजी का सबब बनाया और फिर यहाँ अल्लाह ताला चैलेंज कर रहा है कि अच्छा तुम कोई चीज बना के तो दिखाओ आयत क्या वो जिसने जमीन को करार करारा यानी कि साकिन और साबित आप देखे कि जमीन पे अल्लाह ताला पहाड़ ना गाड़ते तो ये हर वक्त हिलजुल रही होती वाइब्रेशन चल रही होती और इसके दरम्यान में नहरे जारी कर दी इसके लिए पहाड़ बनाए और दो समुद्रों के दरम्यान में रोक बना दी क्या अल्लाह के साथ और कोई मबूद भी है बल्कि इनमें से अक्सर कुछ जानते ही नहीं बड़ा खूबसूरत तर्ज बयान है अल्लाह तला का तो यहाँ पे अल्लाह तला बता रही है कि जमीन को करारगा बनाया फिर हमारे लिए अल्लाह ने दर्म्या, में नहरें निकाल दी पहाड़ बना दिए और दो समुद्रों के दरम्यान में रोक बना दी दो समुन्दर मीन्स की यहाँ पे अल्लाह तला ने कई जगह कुरान में यहाँ बयान किया है एक और जगह भी आता है कि सूरह फरقان में कि अल्लाह ताला ने खारा पानी और मीठा पानी अल्लाह ताला ने दो किस्म के पानी बनाए हैं और खारा पानी के अपने फायदे हैं मीठे पानी के अपने फायदे हैं और एक जगह ऐसी है कि दो ये पानी चल रहे हैं और आपस में मिक्स भी नहीं हो रहे और जिसमें कहते हैं कि खारा आ, जो पानी है आप देखिए कि जमीन का तीन हिस्से पानी है और एक हिस्सा लैंड है और उस तीन हिस्से पानी में पानी जो है वो खारा पानी उसमें इतने मिनरल्स हैं कि आप देखिए कि उसमें इतनी मेरी लाइफ है कि इतनी उसमें मछलियां और पता नहीं क्या क्या चीजें अनमो साम की चीजें मरती हैं तो वो अगर उसके अंदर वो मिनरल्स ना होते वो नमकियात ना होते तो फिर आप देखें कि इस वक्त पूरी दुनिया में स्मेली स्मेल होती यानी कि तीन हिस्से अगर पानी है यानी कि अल्लाह ताला ने वो एक अल्लाह की मतलब मोजा कह लें कि वो खारा पानी जो है उसकी वजह से ना पानी का रंग बदलता है ना उसमें बदबू आती है बल्कि वो जितनी जो चीजें उसमें मरी भी होती हैं उसको भी अंदर ही अपने समो जाता है और यही खारा पानी जब वेपोरेट होता है तो वो मीठा पानी और ड्रिंकबल बन जाता है और मीठे पानी के अल्लाह ताला ने अलीदा चश्मे रखे हुए हैं आय बेकस की पुकार को जब वो पुकारे कौन कबूल करके सख्ती को दूर कर देता है और वो तुम्हें जमीन में खलीफा बनाता है क्या अल्लाह तला के साथ और मबूद है तुम बहुत कम नसीहत और इबरत हासिल करते हो ये वही है वाको मक्का मुकरमा में हजूर वसल्लम से भागकर अकरमा बिन चहल जो थे पानी के बहर में भंवर में फंस गए थे और फिर सबने वहां पे अल्लाह को पुकारा था तो आपने कहा था कि मैंने जमीन पे भी लोगों को अल्लाह पुकारते देखा है या तरी में भी लोग अल्लाह को पुकार रहे हैं और अगर मैं बच गया तो मैं जरूर ईमान ले आऊंगा और फिर वो ईमान ले आए आयत नंबर सिक्सटी थ्री क्या वो जो तुम्हें खुश की और तरी की तारीखों में राह दिखाता है और जो अपनी रहमत से पहले खुश देने वाली हवाएं चलाता है कि अल्लाह के साथ कोई और मबूद भी है जिन्हें शरीक करते है। इन सबसे अल्लाह बुलंदो बारह बार बार रहे है, कामला पे गौर वो फिकर करें। क्या वो मखलूकी अव्वल दफा पैदाश करता है फिर इसे लौटाएगा जो तुम्हें जमीन आसमान और जमीन से रोजियां दे रहा है क्या अल्लाह के साथ कोई और मबूद है कह दीजिए अगर सच्चे हो तो अपनी दलील लाओ कह दीजिए आसमानों में से जमीन वालों में से सवाए अल्लाह के कोई गैब नहीं जानता इन्हें तो ये भी मालूम नहीं कि कब उठा खड़ा किए जाएंगे इन्हीं के बताया जा रहा है कुदरत कामला पहले हमने देखी कि तमाम कायना गलेक्सीज इंसान हैवान सब अल्लाह तला ने बनाए अब इसी तरह अल्लाह तला ये फरमा रही है कि अल्लाह के अलावा कोई आलम गैब नहीं है आलम गैब तो वो है जो बगैर किसी वास्ते के और जरिए के जती तौर पर हर चीज का इलम रखता है हर हकीकत से बाखबर होता है और मखफी से मखफी चीज भी उसके दायरे इलम से बाहर नहीं होती इसलिए जो शख्स ये गुमान करता था कि नबी वसल्लम आइंदा कल को पेश आने वाले हालात का इलम रखते हैं तो इसने अल्लाह पे बहुत बड़ा बेहतर बांधा आयत तो में सिक्सटी सिक्स बल्कि आखरत के बारे में इनका इलम खत्म हो चुका है बल्कि इसे शक में, में है बल्कि इसे अंधे हैं काफरों ने कहा कि अच्छा हम मिट्टी हो जाएंगे और हमारे बाप दादा भी क्या हम फिर निकाले जाएंगे हम और हमारे बाप दादों को बहुत पहले से वादे दिए जाते रहे कुछ नहीं ये तो सिर्फ अगलों के फसाने हैं कह दीजिए कि, कि जमीन में चल फिर कर जरा देखो तो सही कि गुनेगारों का कैसा अंजाम हुआ आप इनके बारे में गम ना करें इनके दाव घाव से तंग दिल ना हो कहते हैं कि ये वादा कब होगा अगर सच्चे हो तो बता दो जवाब दिया कि शायद बाद वो चीजें जिनकी तुम जल्दी में चाह रहे हो तुमसे बहुत ही करीबा लगी हूँ यकीन आपका परवरदगार तमाम लोगों पर बड़े ही फसल वाला है लेकिन अक्सर लोग नाशुक्री करते हैं बेशक आपका रब उन चीजों को भी जानता है जिन्हें इनके दिल छुपा रहे हैं और, और जिन्हें जाहिर कर रहे हैं आसमान और जमीन की कोई पोशीदा चीज भी ऐसी नहीं है जो रोशन और खुली किताब में ना हो हर चीज अल्लाह तला ने रिटर्न लिखी हुई है आय नंबर सेवेंटी सिक्स यकीन ये कुरान बनी इसराइल के सामने उन चीजों का बयान कर रहा है जिनमें ये अख्तलाफ कर रहे हैं आयत नंबर और ये कुरान ईमान वालों के लिए यकीन हदायत और रहमत है आपका रब इनके दरमियान अपने हुक्म से सब फैसले कर देगा वो बड़ा ही गालिब और दाना है बस आप यकीन अलही पे भरोसा रखिए आप सच्चे और खुले दीन पर हैं और बेशक आपने मु... आप ना मुर्दों को सुना सकते हैं ना अपने पुकार बहरों को सुना सकते हैं जबकि वो तो पीठ फेरे गुरु गर्दा जा रहे हों अब यहाँ पे हदीस में आता है कि मुर्दे को जब दफना के वापस जाते हैं तो इनके जूतों की आहट सुनता है और एक और मौके पे बदर में काफर मकतुल जो थे उनको खलीबे बदर में फेंक दिया गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि तो वसल्लम ने उनको फरमाया जिसमें ने कहा आप से गुफ्तु कर रहे हैं तो आपने फरमाया कि तुम में से ज्यादा मेरी बात सुन रहे हैं यानी कि मोजाना तौर पर अल्लाह तला ने आपकी बात मुर्दा काफरों को सुनवा दी थी और आप ये देखें कान एक ऐसी चीज होती है जो इंसान पैदा होने से पहले भी एक्टिव होते हैं और मरने के बाद भी कुछ देर तक वो एक्टिव रहते हैं जैसे जब एक औरत की खुशखबरी होती है गुड न्यूज होती है फैमिली वेज में होती है तो कहते हैं ना अच्छी अच्छी बातें सुना करो कुरान पढ़ा करो ताकि वो बच्चा जो है अच्छी चीजों को अब्सॉर्व करे यानी कि वो सुनता है और मरने के बाद भी इंसान जो है अपनी आहट सुनता है यानी कि जब लोग दफना के जा रहे होते हैं तो उनकी जाने के कदमों की आहट सुनता है और ना आप अंधों को जो हमारी आयतों पे ईमान लाए फिर वो फरमाबरदार हो जाए जब इनके ऊपर अजाब का वादा साबित हो जाएगा हम जमीन से इनके लिए एक जानवर निकालेंगे जो उनसे बातें करता होगा के लोग हमारी आयतों पर यकीन नहीं करते थे अब देखें ये दावा वही है ये जानवर वही है जो कुर्ब क्यामत की अलामत में से है हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्यामत उस वक़्त तक कायम नहीं होगी जब तक तुम दस निशानियां ना देख लो और उनमें एक जानवर का निकलना है सबसे पहली निशानी जो जाहिर होगी वो सूरज का मशर की जानब मशर के, के बजाय मगरब से तुलू होगा चाश्त के वक्त जानवर का निकलना और इन दोनों में से जो पहले जाहिर होगी दूसरी इसके फौरन बाद जाहिर हो जाएगी आप अंदाजा लगाएं कि ये क्या है अब हुआ ये हाँ सर अब्दुल्ला बिन उमर का कॉल है कि ये उस वक्त होगा जब जमीन में कोई नेकी का हुक्म करने वाला और बदी से रोकने वाला बाकी ना रहेगा उस वक्त अल्लाह ताला एक जानवर को पैदा करेंगे जो इंसानों को नेकी का हुक्म देंगे और इससे पता चलता है कि नेकी का हुक्म देना खैर और भलाई की बात को आम करना किस कदर जरूरी है और हर दौर में इंसान की जरूरत है और इंसानों में से कोई एक भी अगर नहीं बचेगा ये हदायत वाला काम करना तो अल्लाह ताला के लिए क्या मुश्किल है अल्लाह ताला ये तबलीग का काम एक जानवर के जरिए से करवाएंगे और इसे पता चलता है कि जब इंसान अमर बिल मारूफ और नहीं अनल मुनकर का काम छोड़ देगा तो क्यामत कायम होने से पहले अल्लाह ताला हुज्जत तमाम करने के लिए एक जानवर निकालेंगे जिसके जरिए से लोगों तक काम पहुंचाया जाएगा जिसे दाबतुल अर्ज कहा जाता है हदीस में आता है कि क्यामत उस वक़्त तक कायम ना होगी जब तक तुम दस निशानियां ना देख लो जिसमें से एक क्या है ये जानवर का निकलना है और जानवर के निकलने का वक्त भी बताया गया आपने फरमाया आफताब मगरिब से कुलू आफताब मगरिब से कुलू होगा और एक रोज दिन धाड़े ये जानवर निकल आएगा और ये लोगों के सामने निकलेगा और उन्हें पता चलेगा कि जानवर है ज़ाहिर है जानवर इंसान की जबान में बात करे इंसान को समझाए और इससे ये भी अंदाजा होगा कि फिर इंसान का अपना क्या हाल होगा इंसान जो है जानवरों की सतह से भी गिर जाएगा यानी कि आप सोचें कि ये हालात होंगे हमारे अल्लाह ताला हमें जानवरों की सतह से नीचे ना गिराए बार बार अल्लाह ताला ये जो मसाले दे रहे हैं हमें लरजाने के लिए हैं कि अपने आप को इस वक्त भी आप ठीक कर लें अल्लाह के मती हो जाएं समय ना व अताना लोग हमारी आयतों पे यकीन नहीं करते थे और जिस दिन हम हर उम्मत में से उन लोगों के गुरोह को जो हमारी आयतों को जुटाते थे घेर घार कर लाएंगे कि फिर वो सबके सब अलग कर दिए जाएंगे जब सबके सब आप पहुंचेंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि तुमने मेरी आयतों को बावजूद है कि तुम्हें इनका पूरा इलम था क्यों झुठलाया ये भी बताओ कि क्या तुम क्या कुछ करते रहे बस अब, अब इसके उन्होंने जुल्म किया इन पर बात जम जाएगी और वो कुछ बोल ना सकेंगे क्या वो देख नहीं रहे कि हमने रात को इसलिए बनाया कि आराम हासिल करें और दिन को हमने वाला बनाया। इसमें लोगों के लिए निशानी है, जो और, रखते है। जिस दिन चाहे। और सारे के सारे तन सारे के सारे आजिजो पस्त होकर इसके सामने हाजिर होंगे और आप पहाड़ों को अपनी जगह जमा हुए ख्याल करेंगे लेकिन वो भी बादल की तरह उठते फिरेंगे ये है सनत अल्लाह की जिसने हर चीज को मजबूत बनाया जो कुछ तुम करते हो उसे इससे खबर है जो शख्स नेक अमल लाएगा उसे उसका बेहतर बदला मिलेगा और उस दिन की घबराहट से बेखौफ होंगे और जो बुराई लेके आएगा वो औंधे मुंह आग में झोंक दिए जाएंगे सिर्फ वही बदला दिए जाओगे जो तुम करते थे बस तो बस यही हुक्म हुआ कि मैं उस शहर के परदेगार की इबादत करता रहा जिसने इसे हरमत वाला बनाया जिसकी मलकियत हर चीज है और मुझे ये भी फरमाया गया कि मैं फरमा फरमा में हो जाऊं और मैं कुरान की तलावत करता रहूं और राह रास पे आ जाए और जो राय रास पे आ जाए वो अपने नफे के लिए राह रास पर आएगा और जो बहक जाए तो कह दीजिए कि मैं तो सिर्फ होशियार करने वालों में से हूँ कह दीजिए कि तमाम तारीफ अल्लाह के अल्लाह ही को सजावर है वो शकीन अपनी खुली निशानियों खुली निशानियों खुली अपनी निशानियां दिखाएगा जिन्हें तुम खुद पहचान लोगे और जो कुछ तुम करते हो इस इससे आपका रब गाफिल नहीं सूरह कसस आती है सूरह कसस में किस्से हैं और इसमें हजरत मूसा इस्लाम का किस्सा बहुत डिटेल से बयान किया गया है <coughs> जी सूरह कसस शुरू होती है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तो सीमीन रूफ मकतात हैं तिल का आयातुल किताबुल मुबीन ये आयतें हैं रोशन किताब की हम आपके सामने मूसा और फौन का सही वाक्य बयान फरमाते हैं इन लोगों के लिए जो ईमान रखते है यकीन फ़ुरुन ने जमीन में सरकशी कर रखी थी यानी कि जुलम सितम का बाजार गर्म कर रखा था अपने आप को रब कहलाता था खुदा कहलाता था और वहां के लोगों को ग्रोह ग्रोह बना रखा था यानी कि हर के जिम्मे में अलग अलग ड्यूटिया मुकर की हुई थी इनमें से एक को कमजोर कर रखा था और इनके लड़कों को जिबा कर डालता था और इनकी लड़कियों को छोड़ देता था बेशकोशब वो था ही मुफ्सदों में से अब ये मैं इन शॉर्ट थोड़ा सा इनका बता देती क्योंकि बाकी हमने बहुत दफा हजरत मूसा का और इनका ये पढ़ लिया अब ये सूरत मक्का में नाजुल हुई इसका नाम कसस था और इस आयत कस्सा में अः जो है इसमें हजरत मूसा का किस्सा बहुत डिटेल से बताया गया और इस सूरत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल कफार ने जो शुभात और एतराजात किए थे इनको दूर किया गया और ईमान ना लाने के लिए जो उजर पेश करते थे इनको भी इनको कता किया गया इसी मकसद के लिए हजरत मूसलम का किसा बयान किया गया कि फ़ौरआन मिस्र का बादशाह था अल्लाह ने इसको बादशाही दी थी और उसने बंदगी की बजाय खुदाई का दावा कर लिया था बनी इसराइल को गुलाम बना लिया था इन पे जुलम करता था और अपनी कौम कपतियों किपतियों को इन पे मुसलत कर दिया था बनी से बेकार लेते थे खेती बाड़ी बार बर्दारी मकानात बनाने का काम लेते थे तशद करते थे फ्रॉन बनी सल की बढ़ती आबादी से खौफ जदा था कि कहीं हम पे गालिब ना आ जाए और इनकी आबादी को कम करने के लिए उसने जुलम यह दिखाया कि लड़कों को कतल कर दिया और लड़कियों को जिंदा रखा ताकि इनकी नस्ल खत्म हो इनके खत्म हो जाए जब जुल्म की इंतहा हो गई तो अल्लाह ताला ने बनी इसराइल की, को की और रहनमाई देने का फैसला कर दिया उनको नजात दहानदा इनका नजात दहानदा पैदा कर दिया और एक बनी इसराइली खानदान में हजरत मूसा पैदा हुए जब इनके भाई बड़े भाई हारून हजरत हारून अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे इस वक्त फरौन का एक कानून अभी जारी था और उसको उसके नजूमे ने कुछ एक दफा खाब में ये भी बताया था खाबूमियों ने एक दफा उसकी प्रोडिक्शन ये की थी बनी से एक लड़का पैदा होगा जो तुम्हारी गवर्नमेंट को नाबूद कर देगा जिस पर फरोन ने हुक्म दिया था कि लड़कों को कत्ल जो पैदा हो बच्चे उनको कत्ल कर दिया जाए और हजरत मूसा इस्लाम की पैदाइश के बाद और ये था कि उनकी वालदा को अल्लाह ने हुक्म से बच्चे को अल्लाह के हुक्म से बच्चे को तीन माह अपने पास रखा कि जब फिर जब रास फाश होने का खतरा हुआ तो अल्लाह ने इल्का किया, उनको एक वही की इशारा किया कि के के कि कि गम ना, ना सिर्फ ये बच्चे को नुकसान पहुंचेगा बल्कि बच्चा तुम्हारे पास वापस लौट आएगा और हम इसको रसूल बनाएंगे बच्चे को दरिया में डाल के माँ के दिल को करार नहीं आया करीब था कि राज फाश कर बैठती कि अल्लाह ताला ने उनके दिल को मजबूत किया और हजरत मूसा की बहन जो इस वक्त दस बारह साल की थी उनको उनको उनकी माँ ने कहा कि इनके पीछे पीछे जाए और देखें कि ये ये टोकरी कहाँ जाती है लड़की ने बड़ी होशियारी के साथ इसका पीछा किया और इनकी जहानत का अंदाजा इस बात से होता है कि उन्होंने ये पता चला लिया कि बच्चा फरौन के महल में पहुंच गया ताबूत बेहता हुआ फरौन के महल में आ गया फरौन की नौकरों ने इसको दरिया से निकाला और बादशाह मलका के सामने पेश कर दिया अब जिस वक्त हजरत मूसा पैदा हुए थे तो उस वक़्त जो थे ना सिपाही हर जगह फिर घुमा फिरा करते थे कि उन्हें पता चले कि कोई बच्चा पैदा होने वाला है तो ताकि उसको कत्ल कर डालें तो ये अल्लाह ताला की अः रहमानियत थी कि तीन महीने तक उनको हजरत मूसा का पता नहीं चला और खुशामदी नौकरों ने फरौन से कहा कि इस बच्चे को कत्ल कर दे ये बनी इसराइल का बच्चा हो सकता है और जिन्होंने कत्ल के खौफ से इसको दरिया में बहा दिया मलका जो एक औरत थी बे थी मलका आसिया उनको बच्चे पे बहुत प्यार आया जैसे कि अल्ला ताहा कि अल्लाह ने में हजरत मूसा को फरमाया मैंने तेरे ऊपर अपनी मोहब्बत डाल दी थी मलका ने फरौन को कहा कि बच्चे को कतल ना करें इसको हम अपना बेटा बना लेंगे और हमारी आंखों की ठंडक बनेगा और हमें फायदा देगा फिर बहरहाल इसी अः सूर्य कसस में आगे चल के आता है कि बच्चे के लिए दूध पिलाने के लिए इंतजाम किया गया बहुत सी नैनीज आई उन्होंने इंटरव्यूज दिए लेकिन बच्चा किसी की भी गोद में सेटल नहीं होता था बहरहाल जो उनकी बहन थी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की जो बहन थी तो उन्होंने सजेशन दी उनकी हजरत आसिया को कि जी मैं एक औरत को जानती हूँ, देखिए आप उसको भी ट्राई कर लें शायद हो सकता है कि वो आ, ये बच्चा उनकी गोद में बहल जाए बहरहाल उनकी मलका ने कहा कि हां चलो बुला लूं उनको भी तो वो जो थी उनकी बहन थी घर गई और फिर अपनी वालदा को उनको जिक्र किया फिर वालदा जो थी वो आई और उन्होंने जैसी हजरत मूसा को गोद में लिया तो उन बच्चे को करार आ गया और वो मदर फिर लेना शुरू हो गया तो आप ये देखें कि अल्लाह तला ने बहुत मेहरबानी की अल्लाह ने हजरत मूसा की वालदा से जो वादा पूरा किया था उन्होंने अपना बच्चा भी अपना खुद पाला उस पर उजरत भी हासिल की और अपनी आंखें भी ठंडी रही रखी और जब हजरत मूसा शही शाही महल में थे जो शहर से जो शहर से बाहर था एक दिन वो मह, महल से निकले और शहर में दाखिल हुए दोपहर का वक़्त था सड़के सुनसान थी हजरत मूसा इस्लाम ने देखा कि किप्ती और इसराइली दोनों लड़ रहे इसराइली ने हजरत मूसा को मदद के लिए बुकारा हज़रत मूसा ने किप्ती को मुक्का मारा तो वो मर गया और हजरत मूसा इस्लाम का कतल का इरादा ना था वो बड़े परेशान हुए अल्लाह ताला से माफी मांगी और आईदा मैं किसी मुजरम की मदद नहीं करूंगा अब जहा उस वक्त उनके जेन में ये था कि किप्ती जो थे इसराइलियों तो मजलूम है और किप्ती उस पर जुल्म कर रहा है और दूसरे दिन जब हजरत मूसा इस्लाम हालात का जायजा लेने के लिए शहर में दाखिल हुए डरते डरते तो उन्होंने देखा कि वही इसराइली आज एक और किप्ती से लड़ा है और हजरत मूसा इस्लाम को देखते मदद के लिए पुकारने लगा मूसा ने इसे डांटा कि तू तो खुद ही बड़ा झगड़ आलू है और ये कह के वो किप्ती को पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो इसराइली ने समझा मुझे मारने लगा वो चीखने लगा कि इसी ने कल और फिर कल के कत्ल का राज पाश कर दिया किप्ती ने हुकूमत को मकबरी कर दी हुकूमत ने हजरत मूसा को कतल का फैसला बना लिया कर दिया हजरत मूसा के हामी शख्स ने एक शख्स था उसने हजरत मूसा को खबर दी की आपके कतल का फैसला हो गया आप यहाँ से निकल जाए और फिर यहाँ हजरत मूसा अला से दुआ करते हुए की और मिसर से निकल गया और मदियन चले गए और वहाँ आपको एक लंबा वाक्य है कि कैसे वहां पे एक दरख्त के नीचे बैठे हुए थे और वे बे घर बे खाने को कुछ नहीं था वहां पे एक दो लड़कियों ने जो कुएं के पास से पत्थर उठा रही थी आपने उनकी मदद की उनको पानी भर के दिया तो उन औरतों ने कहा कि कि हमारे वालिद बहुत बूढ़े हैं घर में कोई और मर्द नहीं है और हम अपने जानवरों को पानी पिलाने के लिए हमें खुद आना पड़ता है और सब लोग अपने जानवरों का पानी पिला लेते हैं तो फिर हम जानवरों को पानी पिलाते हैं तो हजरत मूसा ने इनके जानवरों को पानी पिलाया और फारिग होकर बैठ गए दुआ की अल्लाह ने दुआ सुन ली थोड़ी देर बाद इन दोनों खातन में से एक खात साथ के साथवेस्ट की के आप ने जो हमारे साथ इतना अच्छा नेक सलूक किया है आप हमारे साथ चले हमारे वालद इस पे आपको इनामों के राम दे, दे दें या उजरत दे दें क्योंकि हजरत मूसा इस वक्त बिल्कुल जिसको कहते घर बदर हुए हुए थे मुल्क बदर हुए हुए थे उन्हें, ठिकाने की भी खाने की भी उन्हें लगा कि अल्लाह ने दुआ सुन ली है और फिर आप इन के साथ उनके पीछे चल पड़े और यहाँ पे उनकी शर्म का जिक्र किया जाता है कि जब उनके पीछे चल रहे थे तो उन लड़कियों के दुबट्टे जो थे हवा में लहरा रहे थे जिस पे हजरत मूसा को शर्म आई तो आपने उनको कहा कि मैं आगे चलता हूं और आप मेरे पीछे चलें और रास्ता जो बताना हो तो आप मुझे

ये एक किस्म का महर होगा उसके बाद आप जहाँ जाना चाहें आप जा सकते हैं मुद्दत पूरी होने के बाद हजरत मूसा इस्लाम अपनी बीवी बच्चों को लेकर मिस्र रवाना हुए रास्ते में कोहे की कोहेब से आग नजर आई सर्दी का वक़्त था रास्ता मालूम नहीं था अपने घर वालों से कहा आप यहाँ ठहरो मैं रास्ता मालूम करके आता हूँ आग की चंगारी लेके आता हूँ ताकि तुम ताप सको लेकिन जब वहां पहुंचे तो आग लेने गए थे लेकिन पैगम्बरी मिल गई अल्लाह से हम कलामी का शर्फ मिला अल्लाह से मोजाद मिले और फिर अल्लाह तला ने जो थे उनको जो था नबूत से भी नवाजा और हजरत मूसा फ़रौन के पास लेके दो जो थे अल्लाह के दो मकसद अल्लाह ताला ने उनको दिए थे नबूत के एक तो ये कि फ़रौन जो खुदा का दावत कर रहा है दावा कर रहा है उसको अल्लाह की वादानी का पैगाम दें और दूसरा बनी इसराइल पे बहुत जुल्म हो रहा है इनको इनको रहा करें और कई साल तक हजरत मूसा इस्लाम और आले फरौन के इस्लाह के लिए कोशिश करते रहे बला आखिर हजरत मूसा अपनी कौम को लेकर समुद्र अबूर कर गया और इसी समुद्र में फरौन गर्क हो गया और नबी इसराइल ने अपने दुश्मन को अपनी आंखों से समुद्र में गर्क होते देखा ये बिरहाल अब मैं पढ़ती जाती हूँ ताकि हमें समझ आ जाए की इसमें सोरे कसस में था क्या आयत नंबर पांच फिर हमारी चाहत हुई कि हम इन पे कर्म फरमाए जिन्हें जमीन में बेहद कमजोर कर दिया गया था और हमने इन्हें इन्हीं को पेशवा और जमीन का वारस बनाएंगे कौन बनी इसराइल वालों को और ये भी कि हम इन्हें जमीन में कुदरत दें और फारून और फरौन और हामान और उनके लश्करों को वो दिखाएं जिनसे वो दौड़ रहे हैं हामान भी जो था उनका वजीर था <coughs> फरअन का वजीर था आज नंबर सेवन हमने मूसा की माँ को वही की कि इससे दूध पिलाती रहे जब जब तुझे इसकी नस्बत कोई खौफ मालूम हो तो उसे दरिया में और कोई डर खौफ या रंज गम न करना अल्लाह तकलीकीन लुटाने वाले पैगम्बरों में आखिर फ़रअन के लोगों ने इस बच्चे को उठा लिया आखिरकार यही बच्चा इनका दुश्मन हुआ उनके रंज का बायस हुआ बायस बना कुछ शक नहीं फरौन और हमान और उनके लश्कर थे ही खतकार फरोन की बीवी ने कहा ये तो मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है इसे कतल ना करो बहुत मुमकिन है ये हमें तुम्हारे हमें कोई फायदा पहुंचाए या हम इसे अपने से ही बेटा बना ले और ये लोग शोर ही ना रखते थे मूसा की वालदा का दिल बेकरार हो गया गयात करीब थी कि इस वाक्य को बिल्कुल जाहिर करती थी हमने इनके दिल को ढारस ना दे देते इसलिए कि वो यकीन करने वालों में रहें इनके अल्लाह ताला ने ढारस दी उनकी वालदा को मूसा की वालदा ने उनकी बहन से कहा कि तू इसके पीछे पीछे जा उसे दूर 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 ही दूर से देखती रहे

अल्लाह ने कितना करम किया कि उनको अल्लाह तुम की मामता आंखें भी ठंडी रखी अपने बच्चों को भी पालती रही और इस पर उनको उजरत भी लेती रही और जब मूसा अपनी जवानी को पहुंच गए और और पूरे तवाना हो गए हमने नहीं हिकमत और इलम, इलम अता फरमाया नेकी करने वालों को हम इसी तरह बदला देते हैं मूसा एक ऐसे वक्त में शहर में है जबकि शहर के लोग गफलत में थे यहाँ दो शख्सों को लड़ते हुए पाया एक ये एक तो इसके रफीकों में था और ये दूसरा इसके दुश्मनों में इसकी कौम वाले इसके खिलाफ जो इसके दुश्मनों में से थे इससे फरियाद की जिस पर मूसा ने उसका इसके मु, इसके मुक्का मारा जिससे वो मर गया मूसा कहने लगी ये तो शैतानी काम है यकीन शैतान दुश्मन और खुले तौर पे बहकाने वाला है फिर दुआ करने लगे ए मेरे परवरदिगार मैंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया खोला रबी इन्नी जुलमता नफसी ली और दुआ क्या मांगी ए परवरदिगार मैंने खुद अपने जुलम मैंने अपने ऊपर जुलम किया तू मुझे माफ फरमा दे आमीन अल्लाह ने इसे बख्श दिया आमीन और वो बख्शिश और बहुत मेहरबानी करने वाला है, है अचानक मदद मदद को कोई शख्स जिसने कल इनसे मदद तलब की थी इनसे फरियाद रहा था मूसा ने इनसे कहा इसमें शक नहीं कि तू सरी बे रहा है यदि ये, ये वही बात होगी कि दोबारा जब आए तो वही किरती वही जो इसराइली शख्स था वो लड़ा था फिर जब अपने और उसके दुश्मन को पकड़ना चाहता तो फरियादी कहने लगा मूसा कि जिस तरह तूने कल एक शख्स को कत्ल किया था मुझे भी मार डालना चाहता है तू तो मुल्क में होना ही चाहता है तेरा ही इरादा ही नहीं कि मलाप करने वालों में से हो शहर के परे किनारे में से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और कहने लगा मूसा यहाँ के सरदार तेरे कत्ल का मशवरा कर रहे हैं बस तू बहुत जल्द चल चल चला जा मुझे अपना खैर खामान बस मूसा ला वहां से खौफजदा होकर देखते देखते भागते निकल खड़े हुए यानी कि एक एक नेक इंसान ने उनको मशवरा दिया कि आप यहां से निकल जाए कहने लगेमीन अल्लाह तमारे मुल्क को भी जालम के ग्रोह से अल्लाह तचा ले हमारे पाकिस्तान मुल्क में नेक हूँ फरान लेकर आज जो अल्लाह तरियत को नाफिज कर दे हमारे दिलों में हमारी उम्मत में हमारी कौम में शरीय नाफिस दे टू। जब मदीन की तरफ मतवज हुए तो कहने कहने लगे मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मुझे सीधे जब आप पहुंचे तो देखा कि लोगों की एक जमात वहां पानी पिला रही है और दो औरतें एक अलग खड़ी हुई अपने जानवरों को रोकती हुई देख रही हैं रोकती हुई देखे पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है वो बोली जब तक चाहिए चरवाए वापस ना लौट जाए हम पानी नहीं पिलाती और हमारे वालिद बहुत बड़ी उम्र के बूढ़े हैं बस आपने खुद इनके जानवरों को पानी पिलाया फिर साई की तरफ हटाया और कहने लगे ए परवरदिगार तू जो कुछ भलाई मेरी तरफ से उतार रहा है मैं इसका मोहताज हूँ इतने में इन दोनों औरतों में से एक इनकी तरफ से शर्मो हया से चलती हुई आई कहने लगी कि मेरे बाप आपको बुला रहे हैं ताकि आपने अपने जानवरों को जो पानी पिलाया इसकी उजरत दे दें जब मूसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो इनसे अपना सारा हाल बयान किया तो वो कहने लगे अब तू अब ना डर तूने ने कौम से निजात पाई इन दोनों में से एक ने कहा जी आप इन्हें मजदूरी पे रख लीजिए क्योंकि जिन्हें आप उजरत पे रखे इनमें से सबसे बेहतर वो है जो मजबूत और अमानत दार हो ये वो पाक है कि उनकी अमानत दारी की जब लड़कियां चल रही थी तो वो इतने शर्म और हया वाले थे कि उनकी गलती से भी नजर जो थी लड़कियों के जिसम पे ना पड़े तो वो कहते थे कि आप आगे चले इस बुजुर्ग ने कहा कि मैं अपनी इन दोनों लड़कियों में से एक को आपके निकाह में देना चाहता हूँ इस मेहर पे कि आप आठ साल तक मेरा काम काज करें हाँ अगर आप दस साल पूरे कर लेंगे तो ये आपकी तरफ से बतौर एहसान है अः मैं ये हर्गिज नहीं चाहता कि आपको किसी मुशक्कत में डालू अल्लाह को मंजूर है तो आगे चल के आप मुझे भला आदमी पाएंगे मूसा ने कहा खैर तो ये बात मेरे और आपके दरमियान में पुख्ता होगी मैं इन दोनों मुद्दतों में से जिसे पूरा करूं मुझ पे कोई जाति ना हो हम ये जो कुछ कह रहे हैं इस है। तरफ तो आग देखी, अपनी से कहने लगे, मैंने आग देखी है, बहुत मुमकिन है कि मैं वहां से कोई खबर लाऊं या आग का अंगारा लाऊं ताकि तुम सेंक लो बस जब वो वहां पहुंचे तो इस बाबर जमीन के मैदान पर इनके बाबरकत जमीन के मैदान के दाएं किनारे के दरख्त में से आवा में से आवाज दिए गए अब हजरत अल्लाह सुभान व कलाम करे ए मूसा यकीनन मैं ही अल्लाह हूँ सारे जहानों का परवरदिगार ये भी आवाज आई अपनी लकड़ी डाल दे फिर जब उसे देखा तो वो शाम की तरह फन थन फन आ रही थी और पी तू पीठ फेर के वापस हो गया और मुड़कर रुख भी ना किया हमने कहा ए मूसा आगे आ डर मत यकीन तू हर तरह अमन वाला है और अपने हाथ को अपने गुर्बान में डाल दे वो बगैर किसी किस्म के रोके चमकता हुआ निकलेगा बिल्कुल सफेद और खौफ से बचने के लिए अपने बाजू अपने सा, अपनी जमात तेरे, तेरे की नाफरमान अल्लाह तुम्हें हजरत मूसा इस्लाम किस इस मौजे से की जब इंसान कोई घबराहट को हो तो उस मौके पे अपने दिल पर हाथ रखे तो उसके दिल से खौफ जाता रहेगा या कम अज कम हल्का हो जाएगा आय नंबर थर्टी थ्री मूसा ने कहा परवर मैंने इनका एक आदमी कत्ल कर दिया था अब मुझे अंदेशा है कि वो मुझे, मुझे, तो भेज भेज मुझे, मुझे, तो मुझे, मुझे अल्लाह तरमाया हम तेरे भलाई के साथ तेरा बाजू मजबूत कर देंगे और तुम दोनों का गलबा देंगे फरौनी तुम दोनों को गलबा देंगे फरौनी तक पहुंच ही ना सकेंगे बस अब हमारी निशानी की तुम दोनों और तुम्हारी ताबे और तुम्हारी ताबेदारी करने वाले ही गालिब रहेंगे बस जब इनके पास मूसा अलैहि सलाम हमारे दिए हुए खोले मुआजे लेकर पहुंचे तो कहने लगे ये तो सिर्फ घड़ा घड़ा है या जादू है हमने अपने अगले बाप दादों के जमाने में कभी ये नहीं सुना हजर मूसा अलैहि सलाम कहने लगे मेरा रब ताला इसे खूब जानता है जिसके पास की हिदायत लेकर आता है और जिसके लिए आखिरत का घर का आखत का अच्छा अंजाम होता है यकीनन बे इंसाफों का भला ना होगा फरौन कहने लगा ए दरबारियों मैं तो अपने सिवा किसी को तुम्हारा मबूद नहीं जानता सुन ए हमान तुम मेरे, मेरे लिए एक महल तामीर कर तो मैं मूसा के महबूद को झांक लू इसे तो मैं इसे मैं तो झूठों में ही गुमान कर रहा हूँ अब आप ये देखें कि हमान जिनका वजीर था फ्रौन ने और सारे इंतजाम भी हमान के पास थे तो उन्होंने कहा कि ये जो इतना दावे कर रहा है हजरत मूसा अस्लाम के मेरा रब है और वो अर्श पर है और यकता है तो ऐसा करो एक महल बनाओ एक ऊंचा और मजबूत महल बनाओ जिसपे चढ़कर मैं आसमान पे देखूं तो देखूं तो सही अलावा खुदा हैश्करों ने नावाजबी तरीके पर मुल्क में तकबर किया और समझ लिया कि हमारा जन्म लुटाया ही ना जाएंगे बला अगर हमने इसे उसके लश्करों को पकड़ लिया और दरिया बुर्द कर दिया अब देख ले इन गुनाकारों का अंजाम कैसा कुछ हुआ हमने इन्हें ऐसे अमाम बना दिया कि लोगों की लोगों को जहन्नम की तरफ बुलाए और रोज क्या मदद ना किए जाए हमने इसे इस, इस दुनिया में भी इनके पीछे अपनी लान लगा दी और के दिन भी वो बदहाल लोगों में से होंगे यानी कि क्लियर पटाया कि दुनिया में भी ज़िल्लत और आखरत भी ज़िल्लत वाली होगी और इन अगले जमानों का हलाक करने के बाद हमने मूसा को ऐसी किताब नायत फरमाई जो लोगों के लिए दलील और हदायत और रहमत होकर आई ताकि वो नसीहत हासिल कर सके अब क, क, बताया भी गया कि इस किताब को पढ़ने का फायदा भी तभी होगा जब हम नसीहत हासिल करेंगे हमारा अमल बदलेगा हमारा दिल बदलेगा आयत नंबर और तूर के जानवर जबकि हमने मूसा को हुक्म अहकाम की वही पहुंचाई थी ना तो तू मौजूद था ना ना तू देखने वालों में से था लेकिन हमने बहुत सी नस्लें पैदा की जिन पे लंबी मुदतें गुजर गई और ना ना और ना तू मदीन के रहने वालों में से था

तेरी आयतों की ताबेदारी करते और ईमान वालों में से हो जाते आयत नंबर फिर जब इनके पास हमारी तरफ से हक आ पहुंचा तो कहते हैं कि ये वो क्यों नहीं दिया गया जैसे थे अच्छा, तो क्या मूसा को जो कुछ दिया गया इसके साथ लोगों ने नहीं किया था साफ साफ कहा था ये दोनों जादूगर हैं जो एक दूसरे के मददगार हैं हम तो इन सब के मुनकर हैं कह दे अगर तू अगर सच्चे हो तो तुम भी अल्लाह के साथ अल्लाह के पास से कोई ऐसी किताब ले आओ जो इन दोनों से ज्यादा हदायत वाली हो और इसकी पैरवी करो सिर्फ अपनी ख्वाहिश की पैरवी कर रहे हैं और इससे बढ़कर बहुत के पीछे अल्लाह के के को हदायत नहीं देता और हम बराबर पे दर पे लोगों के लिए अपना कलाम लाते हैं ताकि वो नसीहत हासिल करें जिसको हमने इससे पहले किताब अनायत फरमाई वो तो इस पर ईमान रखते हैं और जब इसकी आयतें इनके पास पढ़ी जाती है तो वो कह देते हैं कि इसके हमारे रब की तरफ से हक होने में होने पर हमारा ईमान है हम तो इससे पहले ही मुसलमान हैं आयत 51 से जो 55 है पहले वो हज़रत का चल रहा था अब इससे मुराद यहूदी और ईसाई हैं जिनको तौरात और अंजील दी गई थी और इस कुरान पर ईमान ला, लाते हैं और मुराद तमाम यहूदी ईसाई नहीं है बल्कि वो इंसाफ पसंद हक प्रस्त लोग हैं जो तुरात और अंजील की बशारतों के बिना पे और पर ईमान लाए और ये वाक हिजरत हफ्ते पेश आया और हजरत हफशा के, के बाद जब नबी सल और दावती खबर मुल के हबश में फैली तो वहां के बीस के करीब ईसाईयों का एक वफद वफद जो था तहकी हाल के लिए मक् मौजमा आया और नबी सल अल्लाह वसलम से मस्जिद हराम में मुलाकात की और कुरैश के लोगों भी ये दे के जो थे पास खड़े हो गए और वफद के लोगों ने हजूर सलम से कुछ सवाल किए जिन जिनका जवाब दिया फिर आपनेलाम की दावत दी और की उनके सामने पड़ी कुरान सुनकर उनकी आंखों में आंसू जारी हो गए उन्होंने इस कलाम के अल्ला, अ, अ, कलाम अल्लाह होने की तस्दीक की और हजूर सलम पर ईमान लिया है जब मस्जिद बर्खास्त हुई तो अबू जहल और उसके चंद साथियों ने इनको रास्ते में जा और सख्त मलामत की ये बड़े नाम मुराद लोग हो तुम हमारे मजहब के आ, हमारे हम मजहब लोगों को तुमने इसलिए भेजा था कि तुम इस शख्स के हालात की तहकीक कर लाओ और उन्हें ठीक ठीक खबर दो अगर तुम अभी इसके पास बैठे ही थे तो अपना दीन छोड़ के पर क्यों मान लाया तुमसे ला तुम ज्यादा अहमद गुरु कौन होगा तो उन्होंने जवाब दिया इनकी जो लोग ईमान लाए थे उन्होंने कहा सलाम तुमको हम तुम्हारे साथ जहालत बाजी नहीं करते हम तुम्हारे तरीके पे नहीं चल सकते तुम अपने तरीके पे चलते रहो हम अपने आपको जान बुझ कर भलाई से महरूम नहीं रख सकते तो फरमाया गया इनको दोहरा दोहरा अजर दिया जाएगा एक अंजील पर ईमान का और दूसरा कुरान पर ईमान का सुबहान और जब इन इन, इन इसकी आयतें इनके सामने पढ़ी जाती हैं तो वो कह देती हैं कि इसके इसके हमारे रब की तरफ से हक होने पर हमारा ईमान है हम तो इसे पहले मुसलमान है आयत नंबर 54 ये अपने किए हुए सबर के बदले दोहरा दोहरा अजर दिए जाएंगे ये नेकी से नेकी से बदी को टाल देते हैं और हमने जो इन्हें दे रखा है इसमें देते रहते हैं और जब और जब बेहुदा बात कान में पड़ती है तो इसे किनारा कर लेते और कह देते हैं कि हमारे माल हमारे लिए हैं और तुम्हारेamal तुम्हारे लिए तुम पर सलाम हो हम जहलों से उलझना नहीं चाहते अब यहां पे ऐसे ईमान वालों की खसूसियत बताई जा रही है कि लक बात नहीं करते बेहूदा बात नहीं करते और क्या करते हैं सलाम ये जहलों से बहस और गुफ्तु है हर दर में जिन्होंने सुनना नहीं है तो उनके साथ बहस करके आपकी एनर्जी और टाइम का वेस्टेज है तो यहाँ एक बड़ा खूबसूरत बात बयान की गई कि आप उनको सलामती दे दें मतलब सलाम सलाम से मुराद यानी कि हम जहलों से इग्नोर करना उनको आयत नंबर फिफ्टी सिक्स है ये भी बड़ा एक इसका वाक्य है आप जिसे हदायत नहीं कर सकते ताला ही जिसे हदायत करता है, है। हमदर्द और गम गुसार चा अब तालब का इंतकाल होने लगा तो आपने कोशिश फरमाई की चचा अपनी जबान से एक मरतबा लाला ला ला कह दे ताकि क्या मत वाले दिन अल्लाह इनकी मफरत की मैं सिफारिश कर सकू लेकिन वहां पे के जो थे सरदार मौजूद थे और रईसुल रईसिन भी वहाँ मौजूद था अब्दुल्ला बिन अभी। तो उन्होंने जो था उनको इस्लाम कबूल ही नहीं करने दिया तुम आखिरी टाइम तक अपने बाप दादा के मजहब को छोड़ दोगे तो इस मौके पे अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमाई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वाज़ेह किया कि आपका काम सिर्फ तबलीग और दावत और रहनुमाई है लेकिन हदायत के रास्ते पे चलाना ये हमारा काम है हदायत उसे मिलेगी जिसे हम हदायत से नवाजना चाहेंगे ना कि उसे जिसे आप हदायत पे देखना पसंद करें तो हदायत लेने के लिए हमें क्या पॉइंट पता चला हमें हदायत मांगनी चाहिए मांगिए कभी आप लोगों ने हदायत हदायत शर सदर सरात मुस्तकीन तड़प के साथ बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कन्विक्शन के साथ यकीन से अल्लाह ताला से हदायत मांगेंगे अल्लाह ताला जरूर हदायत देंगे अल्लाह ताला तो कहते हैं कि तुम मेरे तरफ एक कदम में दो कदम चलूंगा तुम चलते रहो मैं दौड़ता हुआ आऊंगा कहने लगे अगर हम आपके साथ जो के हदायत के ताबदार बन जाएं तो तो हमने हम तो अपने मुल्क से उचक लिए जाएंगे मतलब ये कफार वालों ने अपने ईमान ना लाने का लॉजिक पेश किया क्या हमने इन्हें अमनो मान और हुरमत भले हरम में जगह नहीं दी जहां तमाम चीजों के फल खचे चले आते हैं रोजी रिज के तौर पे हमारी तरफ से लेकिन इनमें से अक्सर कुछ नहीं जानते यानी कि वो कहते थे ना कि हमारा कमी हो जाएगी तो कहा ये मक्के की ये देखते नहीं है कि मक्का में पैदावार ना होने के बावजूद नहाय फरावानी से हर तरह का फल मौजूद है और हमने बहुत सी दो और हमने बहुत सी वो बस्तियां तबाह कर दी जो अपनी ऐशो वत में उतराने लगी थी ये है इनके रहायश की जगह जो इनके बाद बहुत सी कम आबाद की गई अहले इबरत के तौर पर कहा जा रहा है मक्का को डराया जा रहा है हम ही आखिर सब कुछ के वारिस हैं तेरे रब कब किसी एक बस्ती को भी उस वक्त तक हलाक नहीं करता जब तक कि इनकी किसी बड़ी बस्ती में अपना कोई पैगंबर ना भेज दे जो इन्हें हमारी आयतें पढ़कर सुना दे हम बस्तियों को उस वक्त हलाक करती है जबकि वहां जुल्म पे कमर कस लें और तुम्हें जो कुछ दिया गया है सिर्फ जिंदगी दुनिया का सामान है और उसकी रौनक है हाँ अल्लाह के पास जो है वो बहुत ही बेहतर और देर पा है कि तुम नहीं समझते यहाँ पे अल्लाह तला दुनिया और आखरत का मुकाबला करें हदीस का मफुम है अल्लाह की कसम दुनिया आखरत के मुकाबले में ऐसी जैसे तुम में से कोई शख्स अपनी उंगली समुद्र में डबो कर निकाले फिर देखे कि समुंदर के मुकाबले में उंगली के साथ कितना पानी आया है क्या वो शख्स जिस जिससे हमने नेक वादा किया जिसे वो कतन पाने वाला है मसल उस शख्स के हो सकता है जिसे हमने जिंदगानी दुनिया और कुछ ही सी मनफत दे दी फिर बिलाखर क्यामत के रोज पकड़ बांधा हाजिर किया जाएगा और जिस दिन अल्लाह ने पुकार के फरमाएगा तुम जिन्हें अपने गुमान में मेरा शरीक नहीं ठहरा रहे थे वो कहा है जिन पर बात पु... जिन पर बात आ चुकी वो जवाब देंगे कि हमारे पर्देकार यही वो है जिन्हें हमने बहका रखा था हमने इन्हें इस तरह बहकाया जिस तरह हम बहके थे हम तेरे सरकार अपनी दस बर्दारी करते हैं ये हमारी इबादत नहीं करते कहा जाएगा कि अपने शरीकों को बुलाओ बुलाएंगे लेकिन इन्हें वो जवाब तक ना देंगे और वो सब अजाब देख लेंगे काश ये लोग हदायत पा लेते इस दिन इन्हें बुलाकर पूछा जाएगा तुमने नबी को क्या जवाब दिया फिर तो इस दिन तमाम खबरें अंधी हो जाएंगी और एक दूसरे से सवाल तक ना करेंगे हाँ जो शख्स तौबा करके ईमान ले आए और नेक काम करे और यकीन है कि वो निजात पाने वालों में से हो जाएगा आपका रब जो चाहता है पैदा करता है और चुनकर मुख्तार कर लेता है इनमें से किसी को कोई अख्तियार नहीं अल्लाह ही के लिए पाकी है वो बुलंदर है हर उस चीज से के लोग शरीक करते हैं इनके सीने जो कुछ छुपाते हैं जो कुछ जाहिर करते हैं आपका रब सब कुछ जानता है आप जैसे कबर में सवाल होता है कि तेरा पैगंबर कौन है तेरा रब कौन है तेरा दीन कौन सा है, मोमिन तो सही जवाब देता है लेकिन काफर कहता है हा हा लादरी मुझे तो कुछ मालूम नहीं और इसी तरह क्यामत वाले दिन इन्हें इस सवाल का कोई जवाब नहीं सूझेगा इसलिए फरमाया जा रहा है कि इन पर तमाम खबरें अंधी हो जाएंगी वही अल्लाह है इसके सिवा कोई लाके इबादत नहीं दुनिया और आखत में उसी की तारीफ है उसी के लिए फरमा रवाई है और उसी की तरफ तुम सब फेरे जाओगे कर दे तो सवाई अल्लाह के कौन महबूद है जो तुम्हारे पास दिन की रोशनी लाए क्या तुम सुनते नहीं पूछिए कि ये भी बता दो कि अगर अल्लाह तुम पे हमेशा क्यामत तक दिन ही दिन रखे तो भी सवाए अल्लाह तु मबूद है जो तुम्हारे पास रात ले आए जिसमें तुम आराम सुकून हासिल कर सको क्या तुम देख नहीं रहे यानी कि दुनिया का निजाम एक दूसरे के ताउन और तनासर का मोहताज है इसलिए अल्लाह तारीख बनाया ताकि मखलूक जो है सारी आराम कर सके और दिन को रोशन बनाया ताकि जो मखलूक अल्लाह ताला की है वो काम कर सके उसी ने तुम्हारे लिए अपने फजलो कर्म से दिन रात मुकर कर दिए ताकि तुम रात में आराम और दिन में उसकी भेजी भी रोजी तलाश करो ये इसलिए कि तुम शुक्र अदा करो और जिस दिन इन्हें पुकार कर अल्लाह तला फरमाएगा कि जिन्हें तुम मेरे शरीक ख्याल करते थे वो कहा है और हम हर उम्मत में से एक गवाह अलग कर लेंगे कि अपनी दलीलें पेश करो बस इस वक्त जान लेंगे हक अल्लाह की तरफ से और जो कुछ वो जोड़ते थे सब इनके सामने कोल, खो, जाएगा इफ्तार था तो कौमे मूसा से लेकिन इन पर जुल्मों सेम करने लगा हमने इसे इस कदर खजाने दे रखे थे कि कई ताकतवर लोग मुश्किल इसकी कुंजियां उठा सकते थे एक बार इसकी कौम ने इनसे कहा कि इतरा मत अल्लाह इतराने वालों से मोहब्बत ही रखता और और जो कुछ अल्लाह ताला ने तुझे दे रखा है इसमें से आखिरत के घर की तलाश भी रख और अपनी दुनिया हिस्से को भी ना भूल जैसे कि अल्लाह ताला ने तेरे साथ एहसान किया है तू भी सुलूक सलूक कर और मुल्क में फसाद का ख्वाह ना हो यकीन मान के अल्लाह तला को पसंद नापसंद रखता है अब यहाँ पे आ, उनके एक और करेक्टर के जिक्र आ रहा है मुशरकिन मक्का जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाने से सार कर रहे थे वो सरमायादार लोग थे और इनकी तजारत सारे अरब में दूर दराज दुर तक फैली हुई थी और कहते थे अगर हम इस्लाम ईमान ले आए तो हमारी तजार तबाह हो जाएगी हम मुफलिस हो जाएंगे और आज भी जबरदस्त लोग यही कहते हैं कि अगर हमने सूदी निजाम खत्म कर दिया तो हमारी मीशत खत्म हो जाएगी और रसूल के खिलाफ बलाव जो जो बगावत करता है तो कहा जाता है वो अपने खजानों समेत जमीन में धंसा दिया जाता है तो कानून जो था हजरत मूसा का चचा जाद भाई था और बिगड़ा हुआ मुसलमान था फरोन का पट्टू था यानी कि उसका अः खुश आमदी था, था। फरोन ने इसको बनी इसराइल पे निगरान मुकर कर रखा था दौलत और रहीदे की वजह से बड़ा मुतकबर हो गया था दौलत के घूमेंट में बनी जुल्म करता था और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत हारून अलैहिस्सलाम से हसद करता था और हसद की वजह से उनके खिलाफ शरारतें करता था फरौनी हुकूमत का होने की यानी कि उनके करीब होने की वजह से इसके पास बेशुमार दौलत थी और कुछ लोग ये भी बताते हैं उसकी दौलत की वजह यह भी थी कि उसको मदफफून खजाना मिला था बहरहाल अल्लाह ताला ने उनको इतनी वसी दौलत दी थी कि इसके खजानों की चाबियां एक ताकतवर जमात उठाती थी और उसके ऊपर बुरी हरकतें देख के इसके कौम के सालिया लोगों ने इसकी इसलाह की तरफ तोजो दिलाई जिस तरह अल्लाह ने तेरे साथ एहसान किया है और आखरत का घर बना ले अपनी दुनियावी भी जरूरिया भी पूरी कर ले इसे अल्लाह ने इन्हें रोका और अल्लाह का शुक्र अदा कर उसने बड़े तकबर के साथ कहा कि मैंने अपनी काबिलियत की वजह से सब कुछ हासिल किया है और मैं इसमें फजल की क्या बात है मैं नाहे लोगों को क्यों दू सदका खैरात करने से साफ इनकार कर दिया अल्लाह तला ने फरमाया क्या वो जानता ना था कि पहले जो लोग हलाक हुए इससे जमीत तो इन कुछ काम कौम में बड़ी शान शौकत से निकला लोगों ने उसको देख के रश की तमन्ना की काश हमारे पास इतनी दौलत काश स्टेटस हमारे पास होता और ये तो बड़ी किस्मत वाला है लेकिन जो लोग हलाल और हराम का इलम रखते थे उन्होंने उन्होंने बेइलम लोगों को समझाया कि तुम पे बड़ा अफसोस ये तो एक आरसी चमक दमक है अल्लाह का मुक्र अल्ला की भी के अंदर हासल जो हुआ माल होता है, है। आखिरत में भी कामयाबी होती है और दुनिया में भी पुरसकून रहती है तो कहते हैं कि शख्स अपनी पार्टी के साथ मिसर से निकला इसने हजरत हारून आई और हजरत मूसा इस्लाम के खिलाफ एक साजिश की अल्लाह का गजब इस पे नाजुआ घर बार और मॉल समेत जमीन में धंस गया के आ, कारून के खजाने को जो लोग रश्क तमन्ना से देख रहे थे और इनका अंजाम देखे जो इबरत हासिल हुई इनकी समझ में ये बात आई कि दौलत से फला हासिल नहीं होती फला और कामरानी अल्लाह की अतात से हाजिर होती है तो ये थे हजरत मूसा के वाक्यात में जो कुछ सबक थे कारून ने कहा ये सब कुछ मेरी अपनी समझ की बिना पे दिया गया है क्या इसे अब तक ये मा, बात मालूम नहीं हुई कि अल्लाह ताला इससे पहले बहुत सी बस्तियों को गत कर दिया जिससे बहुत ज्यादा कुवत वाले बहुत बड़ी जमा पूंजी वाले थे और गुनहगारों से इनके गुनाहों के बास ऐसे वक़्त नहीं की जाती यानी कि बास परस अचानक नहीं होती बल्कि इनका मुआवजा कर लिया यानी जब गुना इतने ज्यादा हो जाए इनकी वजह से मुस्तक अजाब करार दे तो फिर बास पुरस नहीं होती बल्कि अचानक इनका मुआवसा किया जाता है बस कानून पूरी आरइश के साथ अपनी कौम के मजमे में निकला और जिंदगानी दुनिया के मतवाले कहने लगे काश के हमें भी किसी तरह वो मिल जाता जो कानून को दिया गया आज भी हम जब किसी शख्स को देखते ना स्टेटस में ज्यादा तो कहते हैं काश ये चीजें हमें भी वो मिलनी चाहिए तो बहरहाल ये अल्लाह की आजमाइश है अल्लाह तला दे के भी आजमाता है और अल्लाह तला, तला ले के भी आजमाते हैं काश कि हमें भी इतना किस तरह वो मिल जाता जो कानून को दिया गया तो बड़ा ही किस्मत का धनी है जी इलम लो जी इलम लोगों लोग इन्हें समझाने लगे अफसोस बेहतर चीज तो वो है जो बतौर सवाब इन्हें मिलेगी जो अल्लाह पे ईमान लाएंगे और मुताबिक सुन्नत अमल करेंगे ये बात इन्हीं के दिल में डाली जाती है जो सबर और सहार वाले होते हैं इन्हीं के जिनके पास दीन का इल्म था उन्होंने उनको करेक्ट करना चाहा उन्होंने बताना चाहा कि ये जो अल्लाह ताला जो सवाब देंगे ना वो बहुत बेहतर है उस दुनिया के सवाब दुनिया की आ, सो कॉल्ड खजानों से में आता है अल्लाह ताला फरमाता है मैंने अपने बंदों के लिए ऐसी चीजें तैयार कर रखी है जिन्हें किसी आंख ने नहीं देखा किसी कान ने नहीं सुना और ना किसी के वहम और गुमान में इनका गुजर हुआ है अंदाजा लगाएं हदीस में आता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी अपने आजार जमीन पर लटकाया जा रहा था अल्लाह ताला को उसका तकबर पसंद नहीं आया और उसे जमीन में धंसा दिया बस वो क्या तक जमीन में धंसता चला जाएगा आयत नंबर एटी वन आखिरकार हमने इसे और उसके महल समेत जमीन में धन दिया अल्लाह के सिवा कोई जमात इसकी मदद के लिए तैयार ना हुई ना वो खुद अपने बचाने वालों में से हो सका यानी कि जो उसका तकबर था कि मेरे पास बड़ा कुछ वो कोई चीज उसको बचा ना सकी और जो लोग कल इसके मरतबे पहुंचने की मंदियां कर रहे थे वो आज कहने लगे क्या तुमने नहीं देखा अल्लाह तला बंदों में से जिसके लिए चाहे रोजी कुशादा कर देता है और तंग भी अगर अल्लाह तेज ना करता तो हमें भी धनसा देता क्या देखते नहीं हो के ना शुक्रों को कभी कामयाबी नहीं होती यही के कारून ने दौलत पा के शुक्र गुजारी के बजाय ना शुक्री और नाफरमानी का रास्ता अख्तियार किया तो अल्लाह तला यहाँ पे हमें इबरत ये दे रहे हैं कि अगर आज हमारे पास भी नेमते हैं और हम भी नेमते पाने के बावजूद हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर रहे हैं और नाफरमानी कर रहे हैं तो फिर इंतजार करें एक अजाब का और अजाब तो आजकल चल रहे हैं महंगाई का अजाब बीमारियों का अजाब कुछ ना कुछ अजाब चलते जा रहे हैं हलाल और हराम की तमीज का अजाब लोड शेडिंग का अजाब पानी का अजाब पानी देखें कई जगहों पर आ ही नहीं रहा होता गैस कई जगह नहीं आ रही होती बिजली की लोड शेडिंग चल रही होती है आखरत का ये भला घर हम उन्हीं के लिए मुक्र करते हैं फखनी करते हैं ना फसाद की चाद रखते हैं परहेज गए नहायदरदोस जो शख्स निकल आएगा इसे इससे बेहतर मिलेगी जो बुराई लेकर आएगा तो ऐसे बदमाली करने वालों को उनके उन्ही अमाल का बदला दिया जाएगा जो वो करते थे इन्हें क्या कहते ना दुनिया आखिरत की खेती है दुनिया में हम जो काम करेंगे इसका अगर दुनिया में अगर हमें अल्लाह सिला नहीं देंगे तो आखिरत में बहुत बेहतरीन सिला मिलेगा और जो बुराई लेकर आएगा तो ऐसे बदमाली करने वालों को उन्हीं के अमाल का बदला दिया जाएगा जो वो करते हैं जिस अल्लाह ने आप पर कुरान नजल फरमाया वो आपको दोबारा पहली जगह लाने वाला है कह दीजिए कि मेरा रब इसे इसे भी बखूबी जानता है जो हदायत आया और उसे भी जो खुली गुमराही में है आपको आपको तो कभी इसका ख्याल भी ना गुजरा था कि आपकी तरफ किताब नाजर फरमाई फरमाई जाएगी लेकिन ये आपके रब की मेहरबानी से उतरा अब आपको हरगिज काफरों मददगार ना होना चाहिए ख्याल रखिए कफार आपको अल्लाह तयतों की आयतों की तबलीग से रोक ना दें इसके बाद ये आपकी जानब उतारी गई आप अपने रब की तरफ बुलाते रहें और शिर करने वालों में से ना हो अल्लाह तला के साथ किसी और मबूद को ना पकाना बजूज अल्लाह तला के कोई और मबूद नहीं हर चीज फना होने वाली है मगर उसी का मुंह उसी के लिए फरमारवाई है और तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे इससे पता चलता है अल्लाह ताला अपने बंदों में जिस पे चाहता है नबूत और रसालत बख्शता है सूरह अनकबूत आती है शुरू हो जाती है अनकबूत कहते हैं मकड़ी को और जहाँ पे मकड़ी का वाक्य होगा तो वो इंशाल्लाह ताला उसको पढ़ लेंगे <coughs> इंशाल्लाह ताला आज हमारा सिपारा पीसवा भी खत्म हो जाएगा बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अलिफ लाम मीम हुरूफ मक्तात है आ हसिबन नासु आई यतरकु आई यकूलु आमन्ना वहुम लयक्तलु लाम मीम। क्या लोगों ने ये गुमान कर रखा है उनके सिर्फ इस दावे पे कि हम लाए हम इन्हें बगैर आजमे हुई ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे अल्लाह ताला ने बता दी सूरह कबूत के शुरू में अल्लाह तहले ईमान को आजमाइश में डालता है ताकि करा खोटा पता चल सके ये पता चल सके कि कौन जन्नत का मुस्तैक है और कौन जहन्नम का जन्नत बहुत कीमती चीज है इसकी टिकट वेरी एक्सपेंसिव इसका वीजा लगना इसका एनओसी मिलना बहुत मुश्किल है आज हम दुनिया के ए, किसी भी जगह पे जाने के लिए हम वहाँ का टेस्ट पास करते हैं वहां की लैंग्वेज सीखनी पड़ती है वहां आइल्स के टेस्ट देने पड़ते हैं क्या क्या हमें करना नहीं पड़ता मेडिकल टेस्ट देना पड़ता है उस जगह को फिट जाने के लिए तो अल्लाह ताला की जन्नत में जाने के लिए हमारी कोई तैयारी नहीं है उसको हम सोच रहे हैं ऐसे ही चले जाएंगे तो इसकी अल्लाह ताला की सुन्नत चलती आ रही है कि अल्लाह अपनी उम्मत की, की आजमाइश करेगा जिस तरह पहली उम्मतों की आजमाइश की थी और इन आयात की, शाने नजूल की रवायत में आता है कि साहबा कराम ने उस जिल्म की शिकायत की जिसका निशाना कफार मक्का जिसका वो निशाना बनते थे और कफार मक्का उनके बहुत अजियत कर और तकलीफे उनके ऊपर रखते थे तो रसूल सलम से दुआ की दरख्वास्त की

उनके पास बहुत जबरदस्त उनके जुलमो सतम के पहाड़ तोड़े गए जैसे हजरत सुमैया थी पहली शहीदा जो थी हजरत यासर हजरत सोहेब हजरत बिलाल आजमाइशों और मुसीबत पे जमे रहने का नाम है याद रखें तो कहा जा रहा है कि ऐसे नहीं हमें जन्नत का टिकट मिल जाएगी जब तक हम आजमाए नहीं जाएंगे हम सोचते हैं कि सुकून ही सुकून रहे और मुसलमान भी रहे और आजमाइश भी ना आए मेरा अल्लाह ताला से भी कर लेगा, और जो क्या जो लोग बुराइयां कर रहे हैं इन्होंने ये समझ रखा है कि हमारे काबू से बाहर हो जाएंगे ये लोग कैसी बुरी तजवीजें कर रहे हैं जिसे अल्लाह की मुलाकात की उम्मीद हो बस अल्लाह का ठहराया वक्त यकीनन आने वाला है वो सबके सुनने वाला सबके जानने वाला है और हर एक कोशिश करने वाला अपने ही भले की कोशिश करता है वैसे तो अल्लाह ताला तमाम जान वालों से बेनियाज है और जिन लोगों ने यकीन किया और मुताबिक सुन्नत काम किया हम इनके तमाम गुनाहों को इनसे दूर कर देंगे इन्हें इनके नेक अमाल के बेहतरीन बदले दिए जाएंगे हमने हर इंसान को अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने की नसीहत की हाँ अगर वो ये कोशिश करे कि आप मेरे साथ इसे शरीक कर लें तो जिसका आपको इल्म नहीं तो इनका कहना ना मानिए तो तुम सबका लौटना मेरी तरफ है फिर मैं हर उस चीज से जो तुम करते हो तुम्हें खबर दे दूंगा एक्चुअली यहाँ पे वालदेन की फरमा बरदारी के बारे में बात की जा रही है और और आयत जो आठ है फिलहाल आयत नंबर जो सेवन थी उसमें था कि जन्नत उसी को मिलेगी जो ईमान लाएगा और अमले सालिया करेगा और ईमान लाने से मुराद उन सारी चीज़ों को तस्लीम करना जिनको तस्लीम आ, करने के रसूल सल्ला वम ने दावत दी है और अमले सालिया से मुराद हर वो अमल जो अल्लाह और उसके रसूल ने जो हमें अमल सिखाया है और गुनाहों को दूर कर देंगे का मतलब यह है कि ईमान लाते ही पिछले तमाम गुना माफ हो जाएंगे सुबह अल्लाह और दूसरा मतलब ये भी है कि जो छोटे गुना बशरी कमजोरी की वजह से हो गए हो वो अमले सालिया के सब से माफ हो जाएंगे और इनके अमाल का बहुत अच्छा बदला देंगे यानी कि उनकी नेकियों को कई गुना मल्टीप्लाई कर देंगे फिर हम देखते हैं कि आयत नंबर आठ में हजरत सात बिन अभी वकास के बारे में नाजुल एक्चुअली उनकी वालदा को जब मालूम हुआ कि उनके बेटे मुसलमान हो गए तो उन्होंने कसम खा ली कि मैं उस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगी जब तक और पानी नहीं पीऊंगी और ना साय में बैठूंगी जब तक तुम मोहम्मद का इनकार ना कर दो माँ का हक हक अदा करना तो अल्लाह का हुक्म है तो मेरी बात ना मानेगा तो अल्लाह की भी नाफरमानी करेगा अब उनकी माँ ने उनको ब्लैकमेल किया इमोशनल हजरत साद बहुत परेशान हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और सारा माजरा अर्ज किया इस पे आयत ना और आयत का मंशा यह था कि मखलूक में से माँ बाप का हक इंसान पे सबसे ज्यादा जरूरी है लेकिन अगर माँ बाप अल्लाह के नाफरमानी का हुक्म तो उनका कहना ना माना जाए आयत नंबर और जिन लोगों ने ईमान कबूल किया एक और हदीस में आता है कि वालदेन की रजामंदी को अल्लाह की रजामंदी और उनकी नाराजगी को रब की नाराजगी का बायस भी करार दिया आयत नंबर नाइन है और जिन लोगों ने ईमान कबूल किया और नेक काम किए इन्हें मैं अपने नेक बंदों में शुमार कर लूंगा और बाद लोग ऐसी भी हैं जो जुबानी कहते हैं कि हम ईमान लाते हैं लेकिन जब अल्लाह की राह में कोई मुश्किल आन पड़ती है तो वो लोगों को ईजा दही को अल्लाह तला के अजाब की तरह बना लेते हैं हाँ अगर अल्लाह की मदद आ जाए तो पुकार उठते हैं कि हम तो तुम्हारे साथी ही हैं ये क्या दुनिया जहान के दिलों में जो कुछ है इससे अल्लाह तान दा, दाना बाम नहीं है यानी कि अल्लाह ताला उनकी मुनाफाना रविश को बता रहे हैं कि अल्लाह ताला जो वो प्रोग्राम जो तदबीरें जो उनके दिल में नफाक है अल्लाह सब जानते हैं नेक्स्ट है, जो लोग ईमान लाए अल्लाह इन्हें भी जान कर रहेगा और मुनाफिकों को भी जान कर रहेगा इसका मतलब अल्लाह खुशी और तकलीफ देके आजमाता है ताकि मुनाफिक और मोमिन की तमीज हो जाए दोनों हालतों में जो अल्लाह के अताद करेगा वो मोमिन है जो सिर्फ खुशी और राहत में अतात करेगा तो इसका मायन है कि वो सिर्फ अपने नफ्स का मती है वो अल्लाह का नहीं है जैसे सुरह मोहम्मद में आता है हम तुम्हें जरूर आजमाएंगे ताकि हम जान ले के तुम्हे मुजाहिद और साबिर कौन है और तुम्हारी देगर हालात भी जानचेंगे गजब उहद के बाद जिसमें मुसलमानों को अख्तियार और इम्तिहान की भट्टी से गुजारा था और जिसमें सूर्य अल इमरान में फरमाया कि नहीं अल्लाह तला छोड़ दे मोमनो को इस हालत में जिसमे तुम हो यहाँ तक वो जुदा कर दे नापाक को पाक से तो याद रखें जो हमारे पास फेवरेबल और अनफेवरेबल कंडीशन आती है इसमें हमारा रवैया जो है हमें बताता है आया हम मुनाफिक हैं या मुसलमान हैं काफरों ने ईमानदारों से कहा तुम हमारी राह की ताबेदारी करो तुम्हारे गुनाह हम उठा लेंगे हालांकि वो इनके गुनाहों में से कुछ भी नहीं उठाने वाले ये तो महज झूठे हैं अलबत्ता ये अपने बोझ ढोलेंगे और अपने बोझों के साथ और बोझ भी जो कुछ इफ्तरा परदाजी कर रहे हैं इन सब की बात इनसे बाज पुरुष कही जाएगी हमने नू को उनकी कौम की तरफ भेजा वो इनमें साढ़े नौ सौ साल तक रहे फिर इन्हें तूफान ने धड़ पकड़ा वो थे ही जालम फिर हमने इन्हें कश्ती वालों को न, फिर हमने इन्हें और कश्ती वालों को निजात दी और इस वाक्यो को हमने तमाम जान वालों के लिए इबरत का निशान बना दिया और इब्राहिम ने बिल में कौम से फरमाया कि अल्लाह ताला की इबादत करो इससे डरते रहो अगर तुम में दनाई है तो यही तुम्हारे लिए बेहतर है तुम तो अल्लाह किस वु की पूजा पाठ कर रहे हो और झूठी बातें दिल से घड़ लेते हो सुनो जिन जिन को तुम अल्लाह ताला के पूजा पाठ कर रहे हो वो तो तुम्हारी रोजी के मालिक नहीं बस तुम्हें चाहिए कि तुम अल्लाह ताला ही से रोजियां तलब करो इसी की इबादत करो और उसी की शुक्र गुजारी करो इसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे अगर तुम जुटाओ तो तुमसे पहले की उम्मतों ने भी जुटाया है रसूल के जिम्मे तो सिर्फ साफ साफ तौर पर पहुंचा ही देना है क्या उन्होंने नहीं देखा कि मखलूक की इब्तदा किस तरह अल्लाह ताला ने की फिर अल्लाह ताला इसका अयादा करेगा ये तो अल्लाह ताला पे बहुत ही आसान है कह दीजिए कि, कि जमीन में चल फिर कर देखो तो सही कि किस तरह अल्लाह ताला ने पैदा इब्तदा, नेब्त पैदाइश की फिर अल्लाह ताला ही दूसरी नई पैदाइश करेगा अल्लाह ताला हर चीज पे कादर है बार बार आता है कि पहली दफा कोई चीज बनाना मुश्किल होता है दूसरी दफा तो आसान हो जाता है फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पहली दफा कोई सब्जी बनाई है कोई केक बनाया है तो पहली दफा उस रे, रेसिपी उस इंग्रेडिएंट्स को समझना मुश्किल है दूसरी दफा तो आपके हाथ से निकल चुका है तो इसी तरह बहरहाल ये मसाल तो वैसे समझाने के लिए थी अल्लाह ताला के लिए पहली दफा जो चीजें थी जिसका कोई सैंपल नहीं था जमीन आसमान इंसान वो अल्लाह तला ने बनाया तो दूसरी दफा अल्लाह तला के लिए क्या मुश्किल है जिसे चाहे अजाब करे जिसपे चाहे रहम करे तुम सब उसी की तरफ लौटाए जाओगे रहम करे और अराफ में आता है कि मेरी रहमत ने हर चीज को घेर रखा है क्योंकि आखरत जजा है इंसान ने दुनिया की खेती में जो कुछ बोया होगा उसकी फसल उसे वहां काटनी होगी जैसे अमल होंगे उसकी जजा भी वैसे ही मिलेगी और अवसुर एराफ में आता है कि मैं ये रहमत आखरत में उन लोगों के लिए लिखूंगा जो मुत्त जक़ात अदा करने वाले और हमारी आयतों के पर ईमान रखने वाले होंगे

तुमने जिन बुतों की परस्ती शला के सवा की है ये कुछ नहीं सिर्फ तुमने इन्हें आपस की दोस्ती की बिना लिया है। फिर कुछ बाद तुम सब के दिन एक दूसरे से कुफर करने लोग करने लोगे और तुम्हारा सबका ठिकाना तो तुम्हारी मददगार और को तुम्हारा कोई मददगार ना होगा बस हजरत इब्राहिम पर हजर लूत इमान लाए और कहने लगे मैं अपने रब की तरफ हिजरत करने वाला हूँ वो बड़ा ही गालिब और हकीम है हमने इब्राहिम को इसहा को याकूब औलाद में कर दी इन के हज़रत अलैहिस्सलाम से हजरत इब्राहिम से हजरत आखिरी जो जो उनकी खानदान से हजरत हज़रत मोहम्मद सल्मत इब्राहिम के दूसरे बेटे इस्माईल की नस्ल से नबी हुए और आप सल्ला के कुर नाजल हुआ और इसी तरह देखते हैं कि हजरत इब्राहिम की जो पहली बीवी थी इसहाक नवाजे इसहाक से याकूब और जिनसे बनी इसमें दूसरी बीवी थी फिलहाल ये अल्लाह सुबहाना तआला ने हज़रत इब्राहिम की नस्ल से अल्लाह तला ने मौज की जो अंबिया थे उन्हीं के नस्ल थे उन्हीं की नस्ल में से थे हमने दुनिया में भी इसे सवाब दिया और आखरत में तो वो सालिया लोगों में से हैं और हजरत लूत का अम का भी जिक्र करो जबकि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया था कि तुम उस बदकारी जिसे तुमसे पहले दुनिया में किसी ने नहीं की यानी कि इन्वेंटर से ये इन्होंने गलत काम इन्वेंट किया था क्या तुम मर्दों के पास बद के पास लिए आते हो और रास्ते बंद कर देते हो अब ये इनके क्राइम्स कौम लूत के बताए जा रहे हैं नंबर एक तो ये कि तुम मर्दों के पास बद के लिए आते हो नंबर दो और रास्ते बंद कर देते हो और नंबर तीन और अपनी आम मजलूसों में बेहयाइयों के काम करते हो इसके जवाब में इसकी कौम ने बजुज इसके और कुछ नहीं कहा बस आ, आ, नहीं कहा कि बस जा अगर सच्चा है तो हमारे पास अल्लाह ताला का एजाब ले आ। अब ये तीन क्राइम्स करते थे जिसकी वजह से इनके ऊपर आजाब आया हजरत तूत इसम ने दुआ की परवरदिगार इस मुफ्त कौम पे मेरी मदद फरमा और जब हमारे भेजे हुए फरिश्ते हजरत इब्राहिम के पास बशारत लेके पहुंचे पहुंचने पहुंचने लेकर पहुंचे कहने लगे कि इस बस्ती वालों को हम हलाक करने वाले यकीन के रहने वाले गुनगार हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा इसमें लूत हैं फरिश्तों ने कहा जहाँ जो हैं हम इन्हें बखूबी जानते हैं अब हजरत वही फरिश्ते थे जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे बशारत उनको हजरत इसहाक और उसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम की खुशखबरी लेकर आए और वही फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास अजाब की खबर लेके गए और जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को पता चला तो वो बड़े आजुर्दा हुए वो बड़े परेशान हुए और उन्होंने कहा कि वहां तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम है लूत को और उसके खानदान को सवाय बीवी के हम बचा लेंगे अलबत्त वो औरत पीछे रह जाने वालों में से है फिर जब मोर कासल लूत के पास पहुंचे तो उनकी वजह से गमगीन हुए और दिल दिल में रंज करने लगे क्यों करने लगे क्योंकि वो बहुत खूबसूरत लड़कों की शक्ल में मेहमान बनकर आए थे और वो गमगीन इसलिए थे के एक मेजबान फर्ज में होता है कि अपने की की इज्जत रखवाली करे कहा आप ना खौफ खाइए ना आज़ुर्दा रहिए हो 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 जिए हम आपको माँ आपके मुतलकिन के बचा लेंगे मगर आपकी बीवी के वो अजाब के लिए बाकी रह जाने वालों में से होगी हम इस बस्ती वालों पर आसमानी अजाब नाजल करने वाले हैं इस वजह से कि ये कि ये बेहुक्म हो रहे हैं अलबत्ता है हमने इस बस्ती को सरी इबरत का निशानी बना दिया और इन लोगों के लिए जो अक्ल रखते हैं और मदीन की तरफ हमने इनके भाई शुएब को भेजा उन्होंने कहा की की जमीन में फसा ना करो कर फिर भी इन्होंने इन्हें छुटाया आख जल्जले ने पकड़ लिया और वो घरों में बैठे के बैठे मुर्दा होकर रह गए कहते हैं कौम लूत ने हजरत इब्राहिल ने इनकी बस्तियों को जमीन से उखेड़ा आसमान की बुलंदियों तक ले गए फिर इनको इन पर उल्टा दिया इसके बाद कंकरों पत्थरों की बारिश हुई और इस जगह को सख्त बदबूदार बहेरा झील में तब्दील कर दिया डेड सी में फिर हसब के वाक्या है बार बार ये वाक्यात बयान किए जा रहे हैं और हमने आदिय समुदायों को भी गारत किया जिनके बाद मकानात हमारे सामने जाहिर हैं और शैतान ने इन्हें इनकी बदमालियां कर दिखाई हैं इन्हें रास्ते रोक दिया बावजूद के ये आंख वाले और होशियार थे और कारून और फारून, कारून और और हामान को भी इनके पास मूसा अलैहिस्सलाम खुले खुले मोदे लेकर आए फिर भी इन्होंने जमीन में किया लेकिन हमने आगे बढ़ने वाले लेकिन हमसे आगे बढ़ने वाले ना हो सके फिर तो हम फिर तो हर एक को हमने उसके गुनाह के वबाल में गिरफ्तार कर लिया इनमें से बात पर हमने पत्थरों का मीह बरसाया इनमें से बात को जोर आवर ची सख्त चीख आवाज ने दबोच लिया और इनमें से बात को हमने जमीन में धंसा दिया इनमें से बात को हमने डबो दिया अल्लाह अल्लाह ताला ऐसा ना था कि इन पे जुलम करे बल्कि यही लोग अपनी जानों पे जुलम करते थे और जिन लोगों ने अब यहाँ पे अनकबूत कुछ जो लफ्स है वो जिक्र हो रहा है जिसपे सूरत का नाम है, है? अल्लाह तला के सिवा और कार सास मुकरर कर हैं, इनकी मसाल लकड़ी किसी है कि वो भी एक घर बना लेती है हालांकि तमाम घरों से ज्यादा पौधा घर मकड़ी का घर ही है काश वो जान लेते अल्लाह तमाम चीजों को जानता है जिन्हें उसके सिवा पुकार रहे हैं वो जबरदस्त और जी हमत है हम इन मसालों तो लोगों के लिए बयान फरमा रहे हैं इन्हें सिर्फ इलम वाले ही जानते हैं अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को मसलत और हक के साथ पैदा किया ईमान वालों के लिए इसमें बड़ी भारी दलील है बहुत तफसील है सूर्य अन कबूत के लफ्ज की अगर मैं बात करूं अनकबूत को मकड़ी कहा जाता है और मकड़ी का जला आप देखते हैं कि कितना कमजोर और नापायदार होता है हाथ के अदना से इशारे से वो नाबूद हो जाता है तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि अल्लाह के सिवा जो लोग दूसरों को अपना माबूद हाजत रवा मुश्किल कुशा समझेंगे तो बिल्कुल ऐसे ही बेफायदा है कि वो किसी तरह काम नहीं आ सकेंगे जैसे गैर अल्लाह के सहारे भी मकड़ी के जाले की तरह बिल्कुल नापायदार होते हैं तो यहाँ पे हम देखते हैं अल्लाह ताला बड़ी बड़ी चीजों से मसालों से हमें चीजें बात समझाने की कोशिश करते हैं कभी मकड़ी से कभी मच्छर से तो आप ये देखें तो जो लोग अल्लाह को छोड़कर औरों को सहारा लेते हैं औरों को अपना मददगार बनाते हैं वो मददगार कैसे जैसे अनकबूत मकड़ी का घर हो बहुत नाजुक होते हैं कहते हैं इसका एक पांच औंस का जो इसका जाला होता है ना पांच औंस का वो पूरी दुनिया के गिर्द लपेटा जा सकता है और इसकी तार में इतनी पावर होती है जैसे इस साइज की स्टील की तार में ताकत होती है इस जाले में इतनी इलास्टिक सिटी होती है कि आप देखते हैं वो उसको अगर आप खेचें तो वो खेचता जाता है बड़ा होता जाता है जाले के अंदर आप हाथ डालना चाहें तो उमूमन मुश्किल होता है वो जाले में हाथ का डालना वो सब आप ही को चिमट जाता है लेकिन इन बातों के बावजूद इसका घर बहुत कमजोर होता है और बात थोड़ी सी कोशिश से इसका घर आप खत्म करने के लिए काफी होती है ये जाला देखने में तो बजहिर बड़ा खूबसूरत नजर आता है और बड़े तरीके से जबरदस्त तरीके से बुना होता है और इसके अंदर मकड़ी मक्खी को आसानी से फांस लेती है और बड़े मजे से इसको खा जाती है और ये सारी तरतीब खूबसूरती चलाकी के बावजूद हकीकत में ये एक बहुत कमजोर घर है फरमाया गया है कि घरों में सबसे कमजोर घर है जिसको तुम दुनियावी एतबार से मजबूत समझ के सहारा दे रहे हो बजहर मजबूत आने वाला सहारा मकड़ी के घर की तरह कमजोर है और इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता अब आप देखें कि मकड़ी कहाँ जाला बनाती है जो वैरान या गैर आबाद जगह होती है तो इसी तरह इंसानों में से जो लोग अल्लाह से दूर होते हैं जिनका अल्लाह से ताल्लुक नहीं होता जिनके अंदर ये सलाहित नहीं होती तो वो लोग इन गैर मजबूत जालों का सहारा लेते हैं या उन वो इन जाल के चाल में आ जाते हैं अगर हम चाहते हैं कि हम दुश्मनों की चाल से बच जाएं तो इसके लिए जरूरी है कि अल्लाह का सहारा अल्लाह की मदद पकड़े अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम ले वरना ये जो लोग अल्लाह की रस्सी को मजबूती से नहीं थामते तो वो वो अल्लाह ने मसाल बताई कि वो ऐसे कि जैसे वो मकड़ी का जाला यानी कि इतना नापायदार जी माशाला बीस बारे आज हमारे खत्म हो गए वामा अल सुबह नशे बोले السلام عليكم ورحمه الله وبركاته